सफ़र नंबर 109 दरसुल इशरून, यहाँ से पढ़ना है। आज का ये दर्स मुकालमा की सूरत में है। लैला ने सवाल किया सलमा से, अफी फसल की तालिबा तुम मिन सीन वल याबान। सफ़ा नंबर 109 जी। क्या आपके क्लास में? हाँ, अफी फसल की तालिबा तुम मिन सीन वल याबान। लैला सलमा को मुखातब करके उससे सवाल करती है कि क्या तुम्हारे क्लास में चीन और जापान की तालिबा भी हैं। सलमा ने जवाब दिया, नाम यानी हाँ, फ़ी फसलिना खमसु तालिबातिन, फ़ी फसलिना खमसु तालिबातिन मिन चीनी व अरबाउ तालिबातिन मिन यावानी व समानी तालिबातिन मिन इंडोनेशिया। सलमा ने जवाब दिया कि हाँ, हमारे क्लास में चाइना की 5 तालिबा, जापान की 4 तालिबा और इंडोनेशिया की 8 तालिबा हैं। ये तो हो गया दोनों का सवाल और जवाब और हमारा तर्जमा। लेकिन यहाँ पर समझने के लिए जो कवायद हैं वो अदद और मादूद के हैं, यानी ये पूरा सबक अदद और मादूद की तरफ इशारा करता है। अदद और मादूद की बहस पिछले दर्स में दी जा चुकी थी, तो याद है किसी को? अदद और मादूद, 1 से 3 का कायदा है। हाँ, 1 और 2 का कोई मसला नहीं है, जैसा मादूद वैसा अदद। हमको देखना ये रहता है कि हमारा मादूद कैसा है। चेंजिंग दोनों में करनी रहती है। अदद कहते हैं जिससे वो गिनती जिससे हम किसी चीज़ को शुमार करते हैं। जैसे हमने कहा 3 किताबें, तो हमने जो 3 कहा ये अदद हो गया, किताबें हमने कहा तो ये मादूद हो गया, जिसको गिना जाए। तो अदद और मादूद की तरकीब को या इस मुरक्कब को सही करने के लिए हमें दोनों को देखना रहता है, दोनों में तब्दीली करनी पड़ती है। हम मादूद को देख करके अदद लेकर के आते हैं और मादूद का अपना जो कायदा है वो रहता है। तो बताया गया था कि 1 और 2 के लिए कोई मसला नहीं है। किताबुन वाहिदुन, किताबानी इस्नानी, कोई मसला नहीं है। मसला उसके बाद ही आता है जी। तो कहते हैं कि 3 से लेकर के 9 तक की जो गिनतियां हैं वो अपने मादूद के मुखालिफ होंगी। 3 से लेकर के 9 तक की गिनतियां अपने मादूद के मुखालिफ होंगी। बात समझ आ रही है? मादूद यानी जिसको हम शुमार करते हैं। तो अगर जिसको हम शुमार करते हैं वो मुज़क्कर है तो अदद मुअन्नस, और अगर जिसको हम शुमार करते हैं वो मुअन्नस तो अदद मुज़क्कर। मुज़क्कर और मुअन्नस होने में अदद अपने मादूद के मुखालिफ होगा। कहाँ तक? 3 से लेकर के 9 तक जी। हाँ, सलासतु कुतुबिन, सलासतु कुतुबिन, किताब ये जम मुज़क्कर है ना, इसकी जमा आई कुतुब। तो अब चूंकि ये मुज़क्कर है तो अब इसके लिए हम 3 से लेकर के 9 तक की कोई भी गिनती लेकर के आएंगे तो वो मुअन्नस लेकर के आएंगे। सलासतु, अरबातु, खमसतु, सित्तु, सबातु, जो भी लाएंगे हम वो 9 तक हम इसके मुखालिफ में लेकर के आएंगे। हजाना भाई, बात समझ आ रही है? सलासु सा आतिन। अभी सिर्फ बात हुई है अदद की। मादूद की बात यह है कि मादूद जमा और मजरूर होगा, मादूद जमा और मजरूर। जैसे आपने कहा सलासतु कुतुबिन, तो सलासतु किताबिन नहीं होगा, किताब वाहिद है, लाना होगा हमें जमा। सलासतु किताबन भी नहीं होगा, दोनों के लिए अपना अपना कायदा है, दोनों के कायदे को मलहूज रखते हुए हमको अदद और मादूद को फिट करना होगा।
तो एक और दो के लिए कोई मसला नहीं रहा, तीन से लेकर के नौ तक का जो अदद रहेगा वो अपने मादूद के मुखालिफ तज़किर व तानीस में। मादूद कैसा होगा? जमा और मजरूर होगा। अब ये गिनती जहाँ कहीं भी आएगी, तीन से लेकर के नौ तक की गिनती जहाँ कहीं भी आएगी, अपना ये कायदा वहाँ पर लिए रहेगी। वो चाहे तीन किताबें हों, चाहे 3,333 किताबें हों, यानी ये तीन का जो लफ्ज़ है, तीन की जो गिनती है, जहाँ कहीं भी आएगी अपना कायदा अपने साथ में लिए रहेगी। और बाकी जो अदद, जैसे अभी तीन तो एक इकाई हो गया ना, ये तीन तीन इकाई हो गया, तो तीन अपना कायदा लेगा। जैसे 23 हो गया, तो 23 में तीन भी है और 20 भी है, तीन अपना कायदा लेकर के आएगा और 20 अपना कायदा लेकर के आएगा। 332 है, 333 है, 335 है, पांच अपना कायदा लाएगा और 20 30 जो है वो अपना कायदा लाएगा और 100 वाला अपना कायदा लेकर के आएगा। हर कोई अपने अपने कायदे के मुताबिक फिट होंगे, तीन से लेकर के नौ तक। हाँ, ये अपने मादूद के मुखालिफ होगा तज़किर व तानीस में। मादूद कैसा होगा? जमा और मजरूर होगा। अब आई बात किसकी? 10 की। तो कहते हैं कि अगर 10 मुफ़रद आता है ना, 10 मुफ़रद भी हो सकता है और मुरक्कब भी हो सकता है। मुफ़रद कैसे? जैसे हमने कहा 10 किताबें, तो 10 मुफ़रद है, मुफ़रद समझ रहे ना, यानी अकेला, समझ रहे कि भूल गए? मुफ़रद कहते हैं जो अकेला हो, है ना, मिल करके ना आया हो किसी से, जुड़ के ना आया हो। तो अगर 10 मुफ़रद है तो इसका अपना कायदा अलग, और अगर मुरक्कब है तो इसका अपना कायदा है। कहते हैं अगर 10 मुफ़रद होगा तो इसका भी कायदा पीछे वाले की तरह से होगा। जो कायदा हमने पढ़ा है, समझा है, तीन से लेकर के नौ तक, वही कायदा 10 के लिए भी होगा अगर 10 हमारा मुफ़रद है, और अगर मुरक्कब है तो फिर मुआफिक होगा, मुआफिक होगा। मुखालिफ कब होगा? जब ये मुफ़रद रहेगा। जैसे हमने कहा 10 किताबें, तो मुफ़रद हो तो मुखालिफ, और मादूद हमारा होगा जमा और मजरूर। मादूद, जमा और मजरूर, इतनी बात समझ में आई जी कि नहीं समझे? तीन से नौ तक का तो क्लियर है, एक दो क्लियर है, तीन से लेकर नौ तक क्लियर है। अब बात आती है 10 की। तीन से लेकर नौ तक मुफ़रद और मुरक्कब की बात तो हो ही नहीं सकती थी, वो तीन है, वो चार है, वो पाँच है ना, वहाँ मुफ़रद मुरक्कब की बात नहीं हो सकती थी। जैसे हम आए 10, तो 10 या तो मुफ़रद होगा या तो मुरक्कब होगा। मुफ़रद कैसा है? जैसे हमने कहा 10 किताबें। मुरक्कब कैसे है? हमने कहा 15 किताबें। ये 15, 10 और 5 मिलकर के बना है ना। 15 कैसे बना? 10 और 5 मिलकर के, तो हो गया मुरक्कब। तो 10 और 5 मिलकर हो गया मुरक्कब, तो ये मुरक्कब हो गया। और अगर 5 निकाल देते हैं तो 10 क्या बचा? मुफ़रद। तो कहते हैं अगर 10 मुफ़रद हो तो इसका भी कायदा वही कायदा होगा जो 3 से लेकर के 9 तक का था। इतनी बात वाजी हुई। और हमारा मादूद क्या होगा? जमा और मजरूर होगा। अब कहते हैं कि अगर 10 मुरक्कब हो तब क्या होगा? तब ये मुआफिक होगा। अगर 10 मुरक्कब हो तो मुआफिक होगा। मुरक्कब कैसे होगा? जैसे अभी बताया मैंने, 12, 13, 14, 15 है ना, ऐसे 19 तक, हाँ 19 तक, 11 से लेकर के 19 तक ये क्या हो गया? मुरक्कब। और तनी तनहा 10 अगर है तो ये मुफ़रद। 10 अगर है, सिर्फ 10, तो ये अपने मादूद के मुखालिफ होगा, इसका मादूद जमा और मजरूर होगा। इतनी बात वाजी हुई। एक दो का कोई मसला नहीं, तीन से नौ तक का अदद मुखालिफ, मादूद जमा और मजरूर, है ना। 10 की बात आती है तो 10 अगर मुफ़रद है
तो इसका भी वही कायदा जो कायदा 3 से लेकर 9 तक का था। यानी हम ये कह सकते हैं कि 3 से लेकर के 10 तक का ये कायदा हो गया, 3 से लेकर के 10 तक का ये कायदा हो गया कि अपने मादूद के मुखालिफ और जमा मजदूर होगा, मादूद जमा और मजदूर होगा। बात आती है 11 से लेकर के 19 तक, तो कहते हैं कि ये हो गया मुरक्कब। तो जब मुरक्कब होगा तो ये अपने मादूद के मुआफिक होगा, और हमारा मादूद कैसा होगा, वाहिद और मनसूब होगा। 2 ही 3 स्टेप है समझने के लिए, थोड़ी तवज्जो देंगे तो कोई मसला नहीं है। अभी मैंने क्या बताया, हम कहेंगे 23 किताबें, ये 3 वाला जो कायदा है ये कहीं भी आएगा अपना कायदा लिए रहेगा, अशरा जो है ये अपना कायदा लिए रहेगा, हर गिनती अपना अपना कायदा लिए रहती है। तो समझना बहुत आसान है, बस थोड़ी सी तवज्जो दें, अगर समझ में नहीं आता है तो पूछ लें। 1 और 2 क्लियर है ना, 3 से लेकर के 10 कह लीजिए, है ना, 3 से लेकर के 10 कह लीजिए कि यह अपने मादूद के मुखालिफ होगा और हमारा मादूद जमा और मजदूर होगा। हमने जब 10 कहा तो उसमें मुफरत की बात आ गई। जैसे हम कहेंगे 11 तो हो गया मुरक्कब, वो क्योंकि 1, 10 और 1 मिलकर तब 11 बनता है। हमने कहा 11 से लेकर के 19 तक एक अलग कायदा है, 3 से लेकर 10 तक अलग कायदा है, 11 से लेकर 19 तक अलग कायदा है, और उसके बाद तो फिर सिर्फ उकूद को हम समझ लेंगे, 20, 30, 40, 50 वो समझ लेंगे, बाकी तो भी गिनतियाँ रिपीट होती रहती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20 के साथ में 1 लगाओ 2 लगाओ 3 लगाओ, 21, 22, 23, 24 है ना, 31, 32, 33, 34, 41, 42 है ना, होते रहता आगे। तो इतना ही हमको समझना है, कहाँ तक, 20 तक, 1 से लेकर 20 तक समझिए, उसके बाद 100 समझिए और 1000 समझिए, बस इतनी गिनती है, हो जाएगा इतने में। तो 1 से लेकर के 1 और 2 इसका कोई मसला नहीं, 3 से लेकर 10 तक ये अपने मादूद के मुखालिफ और मादूद हमारा जमा और मजरूर, 11 से लेकर के 19 तक है ना, ये अशरा, अशरा का जो लफ्ज़ है ये जब मुरक्कब होगा तो अपने मादूद के मुआफिक होगा और मादूद वाहिद और मनसूब होगा। जैसे हमने कहा अहद अशरा कौकबन है ना, अहद अशरा कौकबन, कौकब ये मुज़क्कर है, अशरा चूँकि मुरक्कब होकर के आया है, कैसे मुरक्कब है, अहदा भी साथ में इसके है, अहद और अशर दोनों मिल करके बने ना गिनती, मुरक्कब हो गए। अशर जब भी मुरक्कब होगा तो अपने मादूद के मुआफिक होगा, अगर हम अहद को हटा देते हैं तब क्या होगा, अशरतु कवाकिबा, अशरतु कवाकिबा, समझ में ना आए तो पूछ लीजिएगा, है ना, ज़्यादा कुछ नहीं इसमें है, पेचीदगी नहीं है, लेकिन 20 तक समझिए, 20 तक समझ लेंगे, उसके बाद जैसे 21 से लेकर 29 तक है वैसे 31 से लेकर 39 तक है, ऐसे 99 तक है, 20 तक समझिए सिर्फ, 20 तक समझने के बाद सिर्फ वही मियाँ और अल्फ वही बचता है। तो 3 से लेकर के 9 तक का मसला क्लियर है ना, ये अपने मादूद के मुखालिफ होगा तज़किर व तानीस में, और हमारा मादूद जमा और मजरूर होगा। अशरा की जो गिनती है ये अगर मुफरद होकर के आती है सिर्फ 10, तो इसका भी वही कायदा जो कायदा 3 से लेकर के 9 तक का था, लेकिन अशरा अगर मुरक्कब होकर के आए, अशरा अगर मुरक्कब होकर के आए तो फिर ये मुआफिक होता है। जैसे अभी मैंने मिसाल दी, हमने कहा अशारातु कुतुबिन, अशारातु हमने क्यों कहा मुअन्नस, इसलिए कि मुफरद है, मुफरद है और हमारा मादूद मुज़क्कर है, किताब मुज़क्कर है, तो जब किताब मुज़क्कर है एक बात हमने ये देख ली, किताब मुज़क्कर है, अब जब किताब मुज़क्कर है तो हम अशरा की गिनती को हम मुअन्नस लेकर के आएंगे, क्यों, इसलिए कि मुफरद है। अगर अशरा की गिनती मुफरद ना होती तो हम अशरा तो नहीं कहते, हम क्या बोलते, अशरा बोलते। जैसे हम कहें 11 किताबें तो हम क्या बोलेंगे,
अहदा अशरा किताबन, अहदा अशरा किताबन, मैंने एक मिसाल भी दी, अहदा अशरा कौकबन। कौकब ये मुजक्कर है, इस मुजक्कर को देख करके हमें अशरा को लेकर के आना है, उसको हम मुअन्नस लाने जा रहे थे लेकिन देखा कि ये तो मुरक्कब है, अहदा भी साथ में है, तो हम कहेंगे नहीं, ये अशरा का जो लफ्ज़ है, अशरा की जो गिनती है, ये मुखालिफ नहीं हो सकती है क्योंकि ये मुफ़रद नहीं है। इतिबास जी खमसतु हाँ आगे हाँ खमसा, मैंने कहा ना अभी कि हर गिनती अपना अपना कायदा लिए रहती है, खमसा हाँ आपने जो कहा वो सही है, खमसा वो खमसा तो आएगा, अशरा मुरक्कब होने की वजह से वो ये मुआफिक में आएगा जी। जैसे अभी इन्होंने पूछा अब्दुल भाई ने, 15 किताबें हमें कहनी हो तो हम क्या कहेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे है ना कि 15 की गिनती क्या होती है, तो 15 की गिनती खमसा तो अशरा भी होती है ना, खमसा अशरा भी होती है, और खमसा को हम खमसो भी कह सकते हैं, यानी मुजक्कर भी मुअन्नस भी, अशरा को हम अशरा भी कह सकते हैं और अशरा तो भी कह सकते हैं, है ना, मुजक्कर मुअन्नस दोनों ला सकते हैं, लेकिन हमें देखना होगा कि जिसको हम शुमार करने जा रहे हैं वो कैसा है। अब जिसको हम शुमार करने जा रहे हैं वो मुजक्कर है, तो हम कहेंगे जब ये मुजक्कर है, किताब मुजक्कर है, तो अशरा को हमें इसके मुआफिक में लेकर के आना होगा क्योंकि अशरा ये मुफ़रद नहीं है, मुरक्कब है। रही बात खम्स की, 5 की, तो 5 का जो कायदा है कि 3 से लेकर के 9 तक की गिनती अपने मादूद के मुखालिफ होती है, तो इस खमसता को हम खमसो नहीं करेंगे बल्कि खमसतु करेंगे। बस में आई तो हम क्या बोलेंगे, खमसता अशरा किताब। कुछ वाजे हुआ? अच्छा, अब अगर शुमार करने वाली चीज़ मुअन्नस हो, है ना, अभी तो हमने किताब को हमने शुमार कर लिया है, अगर शुमार करने वाली की जाने वाली चीज़ मुअन्नस हो, किताब के बजाय कापी हो, हम कह देंगे कुर्रासा, तो हम क्या बोलेंगे, 14 कापियाँ अगर हम शुमार करना चाहते हैं, 14 कापियाँ, तो अब देखेंगे कुर्रासा ये मुअन्नस है, इसके हिसाब से 4 वाली गिनती मुज़क्कर आनी चाहिए, है ना, क्योंकि कायदा है कि 3 से लेकर 9 तक की गिनती मुखालिफ होती है, तो ये चूँकि कुर्रासा मुअन्नस, तो अब हम यहाँ 4 वाली गिनती अरबाउ और अरबातु दोनों में से कौन सा लाएंगे, तो हम कहेंगे भाई ये मुअन्नस है तो इसको हम मुज़क्कर लेकर के आएंगे, है ना, इसको हमने मुज़क्कर कर लिया। आगे चले तो 14 है ना, 4 और 10, 10 वाली गिनती को हम कैसे लेकर के आएंगे, कहते हैं कि जब 10 वाली गिनती मुफ़रद हो तो मुखालिफ, और अगर मुरक्कब हो तो मुआफिक, तो हम कहेंगे भाई कुर्रासा है तो अब कुर्रासा मुअन्नस है तो इसको हम अशारा के बजाय अशारा तो लेकर के आएंगे, है ना, बात समझ आ रही है ना, तो हम कहेंगे अरबाउ अशारता कुर्रासतन, हाँ कुर्रासतन, मादूद 3 से लेकर 9 तक जमा और मजरूर, अशरा का मादूद सिर्फ अशरा रहेगा तो वही मादूद वही कायदा जो 3 से लेकर 9 तक का है, लेकिन अगर मुफ़रद मुरक्कब है तो फिर 11 से लेकर के 19 तक का मादूद वाहिद और मनसूब होगा, यानी मादूद की अभी हमने दो हालतें देखी हैं, एक तो जमा और मजरूर कहाँ से कहाँ तक, 3 से लेकर के 9 तक, ये जमा और मजरूर, 11 से लेकर के 10 वाला तो बैन बैन है ना, 10 वाला बैन बैन है, अगर 10 वाला मुफ़रद है तो इसके लिए वही कायदा जो कायदा 3 से लेकर 9 तक का है, 11 से लेकर के 19 तक का कायदा क्या है मुफ़रद के लिए, कि ये वाहिद और मनसूब होगा। जी हाँ मादूद, मैंने कहा ना शुरू में कि हमें दोनों को देखना होगा, अदद को भी और मादूद को भी, मादूद हमने 3 से लेकर के 9 तक का मादूद हमने क्या देखा, जमा और मजरूर,
11 से लेकर के 19 तक का मादूद वाहिद और मनसूब है ना, वाहिद और मनसूब जैसे अहद आशरा कौकबन। अच्छा उसके बाद कहते हैं अब बात आती है उकूद की। उकूद अकदुन कहते हैं, अकद यानी गिरह गांठ है ना, गांठ कहते हैं। एक से लेकर के 21 से लेकर के 29 तक है ना चला है, उसके बाद फिर मैंने गांठ लगा दी। ये 20 है ना, 21 से लेकर के 29 तक गांठ लगा दी कि ये 30 है। 31 से लेकर के 39 तक फिर वहाँ गांठ लगा दी कि ये 40 है। 41 से 49 तक फिर गांठ लगा दी कि वो 50 है। तो 20, 30, 40, 50, 60, 70 ये जो गिनती है इसको हम बोलते हैं उकूद। उकूद जी ऐन काफ और दाल उकूद। तो 19 तक का मसला हल हुआ। अब बात आती है उकूद की है ना। कहते हैं कि ये उकूद मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए यकसां इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पर मुआफिक और मुखालिफ की बात नहीं है। थोड़ी आसानी हुई ना भाई, आसानी हुई। उकूद ये मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए यकसां इस्तेमाल होते हैं। जैसे हमने कहा इशरून रजुलन इशरून इमरातन सलासून रजुलन सलासून इमरातन, ऐसे ही हम 90 तक पहुँचा दें। सलासून रजुलन सलासून इमरातन अरबाउन रजुलन अरबाउन इमरातन। अलबत्ता ज़िमनन ये बात भी समझ लें कि इशरून सलासून या ऐसे ही जो भी उकूद हैं तिसून तक, इनका एराब जमा सालिम का एराब होगा है ना, जमा सालिम जैसा एराब होगा। क्या मतलब हुआ इसका जमा सालिम का एराब? जमा मुज़क्कर सालिम का एराब जो होगा वही एराब इन उकूद का भी होगा। तो क्या है एराब जमा मुज़क्कर सालिम का एराब? हालत रफ में ऊना, हालत नस में ईना, हालत जर में ईना है ना। फ़ाइलूना फ़ाइलीना फ़ाइलीना, मुस्लिमूना मुस्लिमीना मुस्लिमीना। अगर हमने कहा 20 आदमी तो हमने क्या बना लिया सीधा सीधा इशरून रजुलन है ना, हो गया 20 आदमी। अब कहते हैं कि ये इशरून रजुलन ये दोनों मिल करके अगर ऑब्जेक्ट बन रहा हो मफूल भी बन रहा हो तो कहते हैं कि फिर क्या करेंगे तो जमा मुज़क्कर सालिम वाला एराब इस पर हम लेकर के आएंगे, यानी इशरीन हो जाएगा। वो इशरून के बजाय इशरीन हो जाएगा। जैसे मैं कहूँ कि मैंने 20 आदमियों को बुलाया, मैंने 20 आदमियों को बुलाया, दाउतु मैंने बुलाया, इशरूना रजुलन था है ना जो हम बना के रखे थे 20 आदमी का जो अदद मादद हम बनाए थे वो क्या बना था इशरूना रजुलन। अपनी जगह पर वो सही था इशरूना रजुलन, लेकिन जैसे ही मैंने कहा दाउतु इशरूना रजुलन तो ये गलत हो गया, इसलिए कि दाउतु फ़ेल अना ज़मीर फ़ाइल और इशरूना रजुलन जो था इसको बनना है मफ़ूल भी यानी ऑब्जेक्ट, और मफ़ूल हालत नस में होता है। और बताया गया अभी कि उकूद का जो एराब है वो जमा मुज़क्कर सालिम वाला एराब इस पर आता है, यानी हालत रफ में ऊना के साथ, हालत नस्ब और जर में ईना के साथ। तो हम कहेंगे इशरूना इशरीना और इशरीना। तो अब क्या बोलेंगे हम दाउतु इशरीना रजुलन है ना, दाउतु इशरीना रजुलन जी। अब उसके बाद है 100 और 1000। देखिए अभी आज बता दिया है ना, अगर कुछ रहा फिर इस काल तो अभी पूछ लीजिए, नहीं तो फिर अगले उसमें भी
हालांकि कुछ ज़्यादा मसला नहीं है। मैंने बताया कि 3 से लेकर 9 तक वो अपना अलग कायदा है। हमारा अदद मादूद के मुखालिफ होगा, मादूद जमा और मजरूर होगा, है ना। अशरा अगर मुफरद है तो पीछे वाला कायदा 3 से लेकर 9 तक का, और अगर मुरक्कब है तो ये अपने मादूद के मुआफिक होगा। मादूद कैसा होगा? वाहिद और मंसूब होगा। हम पहुंच गए 19 तक, है ना। 3 से लेकर 9 तक एक कायदा बना, वाहिद मंसूब होगा। हाँ, वाहिद मंसूब कह रहा हूँ, अच्छा मजबूर बोला। 3 से लेकर 9 तक का एक कायदा, अदद मुखालिफ, मादूद जमा मजरूर, है ना। अशरा पे आए हम, अशरा अगर मुफरद हो तो 3 से लेकर 9 तक वाला कायदा, अगर मुरक्कब हो तो अपने मादूद के मुआफिक होगा और मादूद वाहिद और मंसूब होगा। इस तरह से हम 19 तक पहुंच चुके हैं, है ना। अब बात आई उकूद की, तो कहते हैं कि ये उकूद मुज़क्कर मोनस दोनों के लिए यकसा है, और इनका मादूद कैसा होगा? वाहिद और मंसूब होगा। मादूद वाहिद और मंसूब होगा। बस में आई ज़िमनन एक बात मैंने बताई कि उकूद पर एराब जो आएगा वो जमा मुज़क्कर सालिम वाला एराब आएगा। अभी हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं? 99। हाँ 99। 3 ही स्टेप है, 3 से लेकर 9, है ना। ये समझना है, अशरा को थोड़ा सा बीच में समझ लेना है, उसके बाद 11 से लेकर के 19 तक समझना है, और उकूद समझ लेना है। तो हम पहुंच गए 99 तक। अब अगर यहाँ तक किसी को समझ में ना आए तो पूछे। 99 तक की गिनती हमें करनी है, शुमार करनी किसी चीज़ को, और यहाँ तक समझ में ना आया हो तो पूछिए। जी अशारा और बाकी समझ आया। अशारा के लिए मैंने बताया कि अशारा अगर मुफरद हो तो इसके लिए वही कायदा जो कायदा 3 से लेकर 9 तक का है, और अगर अशरा मुरक्कब हो तो अशरा अपने मादूद के मुआफिक होगा। मादूद अगर मुज़क्कर तो अशरा ये मुज़क्कर, मादूद अगर मुअन्नस तो अशरा मुअन्नस। अशरा के लिए देखिए, 1 और 2 तो सादा है, 3 से लेकर 9 तक ये अपने मादूद के मुखालिफ होगा, मादूद जमा मजरूर होगा, है ना। मुखालिफ होगा, अदद मुखालिफ, मादूद जमा और मजरूर। अशरा अगर मुफरद हो तो इसके लिए भी वही कायदा है जो कायदा 3 से लेकर 9 तक का है। मुफरद हो, मुफरद और मुरक्कब समझे ना। अगर हम कहेंगे 10 तो ये मुफरद है, हमने कहा 11, 12, 13, 15, 19 तो क्या हो गया? मुरक्कब हो गया। अगर मुफरद है तो इसके लिए भी वही कायदा जो कायदा 3 से लेकर 9 तक का है, और अगर हमने कहा अगर ये अशरा मुरक्कब है तो फिर अशरा के लिए अलग से कायदा है, वो क्या है? अपने मादूद के मुआफिक होगा, मादूद वाहिद और मंसूब होगा। पहुंच गया 19 तक। अब बात आती है 20 की, तो 20, 30, 40, 50, 60, 90 तक ये सारे हैं उकूद। उकूद का एराब ये है कि ये उकूद मुज़क्कर और मोनस दोनों के लिए अक्सर इस्तेमाल होते हैं उकूद, और उकूद का जो मादूद रहेगा वो वाहिद और मंसूब रहेगा। अब कहाँ पहुँचे? 99, है ना, पहुँच गया ना, समझ में आया। अब उसके बाद कहते हैं मियाँ और अल्फ, कहते हैं दोनों मुज़क्कर मोनस के लिए अक्सर इस्तेमाल होते हैं। जैसे उकूद को हमने कहा कि यकसा इस्तेमाल होते हैं, ऐसे मियाँ और अल्फ ये भी यकसा इस्तेमाल होते हैं मुज़क्कर मोनस के लिए। अलबत्ता इनका जो मादूद है ये वाहिद और मजरूर होगा, वाहिद और मजरूर होगा। कितना समझ में आया? मुबारक भाई, थोड़ा सा बचा था, मियाँ और अल्फ यही बचा है। अब एकदम सब क्लियर हो गया है। नींद आ रही या समझ नहीं पा रहे? पूछे तब तक था।
जो थे। अब्दुल रब भाई कहाँ तक वादे हुआ? मियां और आइफ भी अक्सर इस्तेमाल होते हैं मुजफ्फर और मोहम्मद जी। अलबत्ते इनके इराब, इनका इराब नहीं, इनका मादूद वाहिद और मजरूर होगा। अब पहुँच गए 1000 तक और तेज़ी के साथ बढ़ गए। हाँ पहुँच गए, 11 तक पहुँचना थोड़ा सा था, है ना, दो तीन स्टेप है समझने के लिए। 3 से लेकर 9 तक एक समझो, 10 को अलग समझ लें, 11 से 19 समझ लें, उकूद समझ लें और मियाल्फ समझ लें। अब गिनतियाँ आगे ऐसे ही बढ़ती रहेंगी और इसी कायदे को हम वहाँ पर फिट करते रहेंगे। कुछ क्लियर हुआ साद भाई? इशरून, सलासून से तिसून तक ये जो उकूद हैं ये यकसां इस्तेमाल होते हैं, चाहे मुज़क्कर हो हमारा मादूद, चाहे हमारा मादूद मुअन्नस हो। इशरून रजुलन, इशरून इमरातन, दोनों के लिए यकसां इस्तेमाल होते हैं उकूद। अब बात आती है किसकी? मादूद की। तो कहते हैं कि मादूद हमारा वाहिद और मंसूब होगा, इशरून रजुलन और इशरून इमरातन। पहुँच गए। और साथ में वो बात भी कि इशरूना भी आएगा, इशरीना भी आएगा, इशरीना भी आएगा, है ना जी। अब पहुंच गए हम 99 तक। मियां और अल्फ कहते हैं ये भी यकसां इस्तेमाल होते हैं। उकूद और मियां अल्फ दोनों में सिर्फ फ़र्क इतना है कि यहाँ मादूद वाहिद और मजरूर होगा। इशरूना, सलासूना, ये जो उकूद हैं इनका जो मादूद होगा वो वाहिद और मंसूब होगा। मियां और अल्फ इसका मादूद वाहिद और मजरूर होगा।